बड़े बुजुर्गों के 35 नियम अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, रोजाना टमाटर या टमाटर से बने जूस का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 2, दुनिया का सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला आलू चिप्स है। आलू चिप्स खाने से जितना वजन बढ़ता है उतना वजन पिज्जा या बर्गर खाने से भी नहीं बढ़ता। नंबर 3, यदि बुखार की वजह से मुंह का स्वाद बिगड़ गया है तो एक लौंग मुंह में रख कर कुछ देर चूसने के बाद चबा कर खा लें। ऐसा करने से मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है। नंबर 4, जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द का असर दूर हो और जोड़ों के दर्द, थकान, सर्दी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 5, यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो सुबह सूरज की रोशनी में जरूर बैठें। सुबह की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नंबर 6, यदि शरीर को खूबसूरत और स्वस्थ रखना है चाहते हैं तो रोजाना खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें और कुछ देर पैदल जरूर चलें। नंबर 7, जो औरतें भैंस के दूध में चने भिगोकर खाती हैं उनके शरीर का दुबलापन दूर होता है और शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 8, यदि आप टॉयलेट जाते समय अपने दांतों को दबा कर रखते हैं तो दांत मजबूत रहेंगे और कभी आपको लकवा की बीमारी नहीं होगी। नंबर 9, अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो इसकी वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है जिससे शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं और हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 10, ज़्यादा मीठी चाय पीने से मोटापा जल्दी बढ़ने लगता है। रात को सोने से पहले सौंफ का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए एक चम्मच सौंफ के साथ 2 बादाम खाएं, इससे बहुत ही अच्छे फायदे मिलते हैं। नंबर 11, जो महिलाएं बाल बांधकर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। नंबर 13, सेब का जूस निकालकर उसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं, इससे टाइफाइड बुखार में राहत मिलती है। नंबर 14, कच्चा सुहागा पानी में पीसकर दिन में 3 से 4 बार दांत या खुजली की जगह लेप करने से आराम मिलता है। नंबर 15, रात समय चाय पीने से बचें क्योंकि रात के समय चाय पीने से दिमाग कमजोर होता है। नंबर 16, रोजाना भुने चने खाने से दिमाग ताकतवर होता है और याददाश्त बढ़ती है। नंबर 17, अगर कब्ज की समस्या रहती है तो रोजाना शाम को पपीते का सेवन जरूर करें। नंबर 18, अगर आपके होंठ काले हो गए हैं तो अनार के बीज और मक्खन के पेस्ट को मिलाकर होठों पर लगाएं, होंठ गुलाबी होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 19, अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो विटामिन डी का अधिक से अधिक सेवन करें। नंबर 20, पेट में दर्द होने की समस्या है तो हींग और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पानी के साथ लेने से पेट दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। नंबर 21, चेहरे पर मुहासे की समस्या है तो हल्दी में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर इसे चेहरे पर लगाएं, इससे मुहासे ठीक हो जाते हैं। नंबर 22, मोटी इलायची का पानी उबालकर पीने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नंबर 23, चेहरे से मेकअप हटाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इससे मेकअप आसानी से उतर जाएगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। नंबर 24, यदि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो ककड़ी और खीरे का सेवन करें, इससे ब्लड प्रेशर जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर 25, अदरक वाला पानी पीने से शरीर में जमा हुआ खून चलने लगता है। नंबर 26, रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। नंबर 27, यदि केला खाने से आपको कब्ज की दिक्कत हो जाती है तो केला खाते समय थोड़ा सा काला नमक और हल्दी
सी काली मिर्च लगाकर खाएं, इससे कब्ज की समस्या नहीं होगी। नंबर 28, फ्रिज में ब्रेड को नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा खुले में सामान्य तापमान पर रखना चाहिए, इससे ब्रेड जल्दी खराब नहीं होती। नंबर 29, यदि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू का सेवन ज्यादा करें। नंबर 30, यदि हाथ पैर का रंग सांवला पड़ जाए तो रोजाना रात को सोने से पहले कच्चा दूध लगाएं, इससे जल्दी हाथ पैर साफ होने लगेंगे। नंबर 31, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को भी इसका सेवन करने से लाभ होता है। नंबर 32, दांतों से नाखूनों को ना काटें, इससे नज़र कमज़ोर होती है और पेट में भी कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। नंबर 30, रोजाना सुबह उठते ही बालों में कंघी करने से बाल कम टूटते हैं और बालों में मजबूती बनी रहती है। नंबर 34, लहसुन की कली कटी हो या साबुत फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लहसुन नरम होकर अंकुरित होने लगता है और इसका स्वाद कम हो जाता है और लहसुन के जो लाभकारी गुण होते हैं वह भी खत्म होने लगते हैं। नंबर 35, रोजाना सुबह के समय एक टमाटर खाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। धन्यवाद।